एसएससी स्टेनो 2023। देखो फ्रेशर जितने भी कैंडिडेट्स हैं या ओल्ड हैं, गलती आप बिल्कुल भी इस बार मत करना। आपको मैं एक एक चीज़ बता दे रहा हूँ, एक दो दिन में सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे। फोटोग्राफ जब भी आप अपलोड करना है, जैसे मैं अभी चश्मा लगाए हुए हूँ, मैं ऐसे फोटो खिंचाऊंगा, ये फोटोग्राफ अपलोड नहीं करनी है क्योंकि एसएससी इसको एक्सेप्ट नहीं करता है। और ये जो फोटोग्राफ है वो आपकी कहीं ना कहीं मानी नहीं जाएगी। आपको फोटोग्राफ अगर खिंचानी है ना, तो आपको ऐसे खिंचानी है, मतलब कुछ भी चेहरे पे नहीं होना चाहिए, चेहरा एकदम क्लीन वगैरह ये वो, बियर्ड ज्यादा नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल ऐसे बिल्कुल आपको खिंचानी है, ठीक है। और इसके अलावा आपको कुछ भी मतलब कैप वगैरह भी नहीं लगानी। बैकग्राउंड जो है वो आपका लाइट में होना चाहिए, ऐसा ना हो कि बैकग्राउंड एकदम डार्क में है, लाइट में बैकग्राउंड होना चाहिए, ठीक है। फोटो जब आप अपलोड कर रहे हो तो वो विजुअल होनी चाहिए। कई बार क्या होता है, फोटो प्रीव्यू जब करते हो तो रोटेट हो जाती है, तो ये गलती बिल्कुल भी मत करना। और एक चीज दिमाग में रखना, कई कैंडिडेट्स के साथ इशू हुआ है, फोटो अपलोड करने के बाद जब फाइनल सबमिट किया, तब कहीं ना कहीं वो फाइनल प्रिंटआउट में जाके आपका रोटेट हो गया है, ठीक है। तो उसके लिए दो ऑप्शन है, अगर आप चाहो दोबारा से फॉर्म भर सकते हो, नहीं तो आपका अगर कुछ भी होता है तो उसके लिए जब आप फोटो अपलोड करके प्रीव्यू आता है ना, तब फोटो खींच लो। कैसा क्या हुआ, पहले अपलोड किया, प्रीव्यू आया, उस टाइम पे फोटो और सिग्नेचर की दोनों फोटो खींच लो, क्लिक कर लो, ठीक है। क्लिक करने के बाद या वीडियो उसको बना लो कि सर देखो मैंने ऐसे ऐसे अपलोड किया है। जैसे ही फाइनल सबमिट करोगे, अगर फोटो रोटेट होता है तो दोबारा उसको बना लो, सर देखो ऐसा ऐसा मैंने किया था, सही अपलोड हुआ था और बाद में रोटेट हुआ, तो ये मेरी गलती नहीं है, आपकी गलती, तो वो प्रूफ रखे रहो। तो एट दैट टाइम अगर गलती होता है तो उस टाइम पे आप उनको दिखा सकते हो। हालांकि फाइनल रोटेट कुछ ही कैंडिडेट का कहीं ना कहीं हुआ है, बाकी सबका नहीं हुआ है, तो गलती बिल्कुल भी मत करना। और अगर आपको लगता है कि यार रिस्क हमें नहीं लेना है, तो दोबारा फॉर्म भर देना, लेटेस्ट वाला फॉर्म जो है वो कंसीडर किया जाएगा, ये चीज दिमाग में बिल्कुल रख।